अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मालूमाती मरकज। स्टूडेंट्स, आज की अपडेट इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से है कि जैसा कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट्स को अपलोड करने के लिए LMS इगाही पोर्टल ओपन कर दिया गया है, जिसमें BEd, MEd, MA और पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेस की असाइनमेंट्स अपलोड की जाएंगी। असाइनमेंट्स को स्कैन करके टाइप शुदा असाइनमेंट्स को PDF फाइल बनाकर अपलोड की जाएंगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने LMS अकाउंट को कैसे लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड और यूजर आईडी कैसे लगाना है, और BEd, MEd, MA और पोस्ट ग्रेजुएट की असाइनमेंट्स को कैसे अपलोड करना है। आपको इस वीडियो में असाइनमेंट्स अपलोड करने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आते हैं वीडियो की जानब। आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको अगाही LMS पोर्टल नजर आएगा, इसको लॉगिन करना है। आपने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, असाइनमेंट सबमिशन ऑटम 2020, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। स्टूडेंट्स, LMS लॉगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूजर आईडी आपका AIOU वाला रजिस्ट्रेशन नंबर ही है। बस रजिस्ट्रेशन नंबर के आगे आपने @AIU.edu.pk लिखना है, और आपका रोल नंबर ही आपका पासवर्ड है, ये आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, जैसा कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसा कि मैं आपको यूजर आईडी और पासवर्ड लगा के दिखाता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद @ डालें, उसके बाद AIOU.edu.pk लिखना है, और पासवर्ड में आपने अपना रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन कर देना है। ये आपके सामने अगाही LMS का असाइनमेंट पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपने करना ये है कि माई कोर्सेज पे जाना है और इन प्रोग्रेस पे जाना है। यहाँ पे आपने कोर्सेज पे जाना है, जिस कोर्स की असाइनमेंट आपने अपलोड करनी हो आपने उस कोर्स पे क्लिक करना है। देखिए, मैंने कोर्स 5609 पे क्लिक किया और उसकी दोनों असाइनमेंट्स की ऑप्शन असाइनमेंट्स अपलोड लिंक्स आ चुके हैं, असाइनमेंट्स 1 और असाइनमेंट 2, यानी कि दोनों असाइनमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। अब मैंने असाइनमेंट 1 अपलोड करनी है तो असाइनमेंट 1 पे क्लिक करूंगा। अगर मैंने असाइनमेंट 2 अपलोड करनी हो तो मैं असाइनमेंट 2 पे क्लिक करूंगा। पहले हम असाइनमेंट 1 अपलोड करते हैं, तो असाइनमेंट 1 पे मैं क्लिक करता हूँ। ये आपके सामने ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे आपने एड सबमिशन करना है, यहाँ पे आपने फाइल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने अटैचमेंट चूज फाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी मतलूबा असाइनमेंट जहाँ पे पड़ी होंगी वहाँ से आपने अटैच करनी है, और उसके बाद आपने अपलोड दिस फाइल कर देना है। असाइनमेंट फाइल अपलोड हो रही है, थोड़े सा इंतजार के बाद आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ये देखे, आपके सामने असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है। अब आपने सेव चेंज करना है। असाइनमेंट 1 जो कि अपलोड हो चुकी है, अगर आपने गलत असाइनमेंट अपलोड कर दी तो यहाँ से रिमूव सबमिशन कर सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट एडिट करनी है तो यहाँ से एडिट सबमिट कर सकते हैं। इस तरह अब हम नेक्स्ट असाइनमेंट को अपलोड करते हैं। माई कोर्सेज पे आना है और इन प्रोग्रेस पे जाना है, और यहाँ पे जो असाइनमेंट आपने अपलोड करनी है वहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये असाइनमेंट के लिंक मौजूद हैं, आपने जो भी असाइनमेंट 1 अपलोड करनी है तो 1 पे क्लिक करें, अगर 2 असाइनमेंट अपलोड करनी है तो 2 पे क्लिक करें। यहाँ पे वही वाला प्रोसीजर आपने रिपीट करना है, एड सबमिशन करना है, फाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे चूज फाइल करनी है, और जहाँ पे आपकी असाइनमेंट पड़ी होगी वहाँ से आपने अपलोड करनी है। फाइल अटैच करने के बाद आपने अपलोड दिस फाइल कर देना है। ये देखें, ये वाली असाइनमेंट भी आपके सामने अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप सेव चेंज करेंगे और ये वाली मुकम्मल असाइनमेंट आपके सामने अपलोड हो चुकी है। इस तरह आपने बारी बारी तमाम कोर्सेज की असाइनमेंट अपलोड करनी है। जब असाइनमेंट मुकम्मल अपलोड हो जाएगी तो ये वाली सबमिटेड डेट ग्रीन हो जाएगी। इसके बाद आप 2 असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से एड सबमिशन करें और फाइल पर क्लिक करना है, और फाइल साथ अटैच करनी है, और असाइनमेंट नंबर 2 अटैच करनी है, और उसके बाद आपने अपलोड दिस फाइल कर देना है। ये देखें, ये वाली फाइल भी आपके सामने अटैच हो चुकी है, फाइल नंबर 2 भी अटैच हो चुकी है।
आप सेव चेंज करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर फाइल आपकी अटैच हो चुकी है। अब हम माई कोर्सेज पे जाते हैं और डिटेल देखते हैं 5609 की, देखते हैं कितनी फाइल अटैच हो चुकी हैं। फाइल 1 अटैच हो चुकी है, दूसरी फाइल इसलिए अटैच नहीं हुई कि अभी तक डेट नहीं आई। यहाँ से आप बारी बारी तमाम कोर्सेज की फाइल को अटैच कर सकते हैं। तमाम फाइल अटैच करने के बाद आपने अपने LMS पोर्टल को लॉग आउट कर देना है। स्टूडेंट्स, ये थी असाइनमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों तक पहुँचा दी। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।